हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के बारे में। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। न्यूज़ क्या है पहले समझ लीजिए कि नेशनल एमपीआई प्रोजेक्ट का एम ये है एट डीकंस्ट्रक्टिंग द ग्लोबल एमपीआई। एमपीआई का मतलब क्या है भाई? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एंड यहाँ पे क्रिएटिंग अ ग्लोबली अलाइंड एंड येट कस्टमाइज इंडिया, ताकि भाई हम ये ला सकें कि भाई एमपीआई किस लिए है। एमपीआई इसलिए है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एक्शन प्लान लाएं जिससे हम इंडिया को और इम्प्रूव कर सकें, इंडिया की पोजिशन को ग्लोबल एमपीआई रैंकिंग में। अब पूरा क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, कैसे क्या रैंकिंग है, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। बट थोड़ा सा अन अकेडमी के बारे में समझते हैं। देखिए, अन अकेडमी पे आज 30th of November को लास्ट डेट है जब आप 2500 रुपीस का फ्लैट ऑफ और पा सकते हो। सेव ऑन कॉम्बो चल रहा है जिसमें आपको 25% ऑफ विद ऑप्शन मिलता है, 10% वेन यू यूज माई कोड सिर्फ आईएस, और फ्लैट 2500 ऑफ मिल रहा है। ये ऑफर आज खत्म हो रहा है। इसके साथ एक और ऑफर है कि आपको 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलता है, 1 ईयर या उसके ऊपर जो आप प्लस जीएस या प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेल करते हो। अब यहाँ पे जो नए बैचेस हैं वो 1st of December से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको 2022 और 23 की प्रिपरेशन कराएंगे एक शेड्यूल मैनर में। साथ में आपको मिलती है फ्री टेस्ट सीरीज और आपको मिलती है 20 GS बुक्स जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल हैं। और आइकॉनिक अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसके सब्सक्रिप्शन के बहुत बेनिफिट्स हैं जो आपको ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जैसे पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव मेंटरिंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, इतनी सारी अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, तो इतना कुछ आपको मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सिर्फ आईएस फॉर गेटिंग दी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए यहाँ पे क्या है कि अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरीज ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, मतलब GIRG इनिशिएटिव के अंदर कंट्री की परफॉर्मेंस जो है इसको मॉनिटर करा गया कुछ 29 ग्लोबल इंडेक्सेस पे, जिसमें कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी था, ग्लोबल कॉम्पिटिवनेस इंडेक्स भी है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी है, और भी कई सारे हैं, मतलब 29 है। इनके बेसिस पे कंट्री की परफॉर्मेंस को पूरा मॉनिटर करा गया। और ये जो एक्सरसाइज है इसका एम यही है कि प्रॉपर देखना कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट सोशल, इकोनॉमिक और दूसरे जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्सेस है उसका, और देखना कि भाई इनेबल द यूटिलाइजेशन, कि हम किस तरीके से ये जो इंडेक्सेस हैं जैसे कि आपका GHI हो गया, SCI हो गया, GCI हो गया, HDI हो गया, इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ टूल जिनके थ्रू हम रिफॉर्म्स लाएं, हम और अच्छा आउटकम लेकर आए और इंडिया की परफॉर्मेंस इन सारे इंडेक्सेस में और अच्छी दिखने लग जाए। अब देखिए नीति आयोग जो है वो एक नोडल मिनिस्ट्री है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए, और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एमपीआई 2021 इंडिया की रैंक 66 रही आउट ऑफ 109 कंट्रीज। तो यहाँ देखिए हम 66वीं रैंक पे थे 109 कंट्रीज में। इनका कहना है कि भाई इम्प्रूवमेंट ये सजेस्ट करते हैं इन एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल में, सैनिटेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, विच ट्रांसलेट टू रिडक्शन इन द डेप्रिवेशन। इसके साथ स्टेट रिपोर्ट रिलीज करी गई फॉर 22 स्टेट्स, 22 स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए, वो भी सजेस्ट करती है कि रिडक्शन इन डेप्रिवेशन इन स्कूल अटेंडेंस, ड्रिंकिंग वाटर, बैंक अकाउंट, हाउसिंग, तो ये सारे इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं कि जो ओवरऑल डायरेक्शन है ना, ये इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इन द फोर्थ कमिंग इंडेक्स जो कि बेस्ड है NFHS 5, मतलब 2019-20 हाउस होल्ड माइक्रो डेटा पे। तो हमने यहाँ तक इसकी बात करी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।